इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो अभी हम कंसल्टेशन कर रहे हैं प्रोविंसेस के साथ और इंशाल्लाह कोई एक महीने तक हम पूरा उसका प्रोजेक्ट जो है वो उसको अनाउंस करेंगे। उसमें 5 साल के टारगेट भी होंगे, किस प्रोविंस ने कितना करना है वो भी होगा, किस तरीके से होगा उस सारे की प्लानिंग भी होगी। अभी हमने प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से एक 1 डे कैंपेन स्टार्ट की थी जो कि 2 सितंबर की थी और हमने उसमें 15 लाख पौधों का टारगेट रखा था। अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में उसमें शिरकत की और 25 लाख पौधे उस एक दिन में लगाए गए थे। पौधे जो हैं और दरख्त जो हैं वो आब हवा के लिए, हमारी सालमियत के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसका इदराक लोगों में, इसके अवेयरनेस फैलाना और इसका इदराक करवाना भी बहुत लाजमी है। हमें इस बात का बहुत ही फ़ख्र है कि आज इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इस ड्राइव का हिस्सा बनी और हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर इसका अवेयरनेस पैदा हो और हम ना सिर्फ ये कि हम इसको, इस एक्टिविटी को एक दिन तक महदूद रखें बल्कि हम इसको हम चाहते हैं कि ये हम हर साल हर साल और हर रोज़ इस एक्टिविटी के अंदर हम हिस्सा लें और अपना शेयर इसके अंदर डालते रहें। पहली दफ़ा देखा कि इतनी ज़ोर शोर से ट्री प्लांटेशन हो रही है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है, क्लाइमेट पर है, वाटर लेवल पे है, इसके अलावा आपको जो फ्रूट ट्रीज़ लगा रहे हैं फ्रूट की भी रिटर्न होती है और बारिशें होंगी वाटर लेवल रेज होगा, उसका डेफिनेटली इकॉनमी पे बहुत इफेक्ट होगा। तो इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब दैट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स और पहली दफ़ा देखा है कि जो स्टूडेंट्स और यंग लोग हैं इतनी एनर्जी के साथ इन्होंने किसी भी नेशनल कॉज के लिए काम किया। बेसिकली ट्री प्लांटेशन जो है वो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम कर रहा है, ठीक है। पहले जो है पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा फॉर्मर, अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा लेवल है, हीट का लेवल है, हमारा जो मतलब इन्वायरमेंट के एटमोसफेयर का जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जो ट्री प्लांटेशन है उसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अब सेटल डाउन हो रही है। Everyone loves greenery, and if there's more trees in these mountains, there's going to be more tourist attraction, and more people are going to love this place.